यहाँ व्यक्ति कम क्वालिफाइड होता है तो ज्यादा क्वालिफाइड क्लेम करता है बायोडेटा में, इंटरव्यू में, अपने आप को बहुत स्मार्ट। वैसे जिंदगी में टाई ना लगाओ, इंटरव्यू देने यार टाई लगा के जा रहा है। काहे के लिए लगा रहे जब तुम नहीं लगाते हो? नहीं, हम बहुत स्मार्ट हैं। क्वालिफिकेशन कम है फिर भी ज्यादा दिखा रहा है। और भगवान, भगवान है, अपने आप को क्या कह रहे हैं, मैं तो ग्वाला हूं, तुम तो सृष्टि की रचयिता हो। और वो क्या कह रहे हैं, सृष्टि की रचयिता मैं कहां से हूं, स्मृति किसने दी, आपका नाम मंत्र जप जप करके तो मुझे कुछ ज्ञान हुआ, तब आपका दर्शन हुआ, वो भी आपकी इच्छा से। मैं देख चाह करके भी आपको देख तक तो सकता नहीं हूं। अपने बाप को तो जो पहचान नहीं पा रहा है, 100 साल तक घूमते रहे, पिता नहीं मिले, यहां तो 100 साल में मृत्यु हो जाएगी। जिंदगी भर में समझ ही नहीं पाए खाली पिता, बाकी काम तो बाद में होंगे, तो पिता ही नहीं पता चल पा रहा। आप बता रहे हैं प्रसिद्ध हो, ये दोनों में कंपटीशन कैसे चल रहा है, दोनों हाइड कर रहे हैं अपनी अपनी क्वालिफिकेशन। ये है डिवोशनल सर्विस। नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिनां आत्मास्य धीशाखिललोकसाक्षी। नारायणोऽङ्गं नरभूजलायनात् तच्चापि सत्यं न तवैव माया। नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिनां आत्मास्य धीशा अखिल लोक साक्षी। नारायणोऽङ्गं नरभूजलायनात् तच्चापि सत्यं न तवैव माया। हे परम नियंता, प्रत्येक देहधारी जीव के आत्मा तथा समस्त लोकों के शाश्वत साक्षी होने के कारण क्या आप आदि नारायण नहीं हैं? प्रत्येक देहधारी जीव के आत्मा तथा समस्त लोकों के शाश्वत साक्षी होने के कारण क्या आप आदि नारायण नहीं हैं? निस्संदेह भगवान नारायण आपके ही अंश हैं। निस्संदेह भगवान नारायण आपके ही अंश हैं। किसको बोल रहे हैं? कौन बोल रहा है? प्रथम जीव सृष्टि का, भगवान का पुत्र, चारों वेदों का ज्ञाता, वो बोल रहा है कि नारायण आपके ही अंश हैं। सारे संसार में ये कंफ्यूजन है कि कृष्ण नारायण के अवतार हैं, लेकिन यहां ब्रह्मा क्या कह रहे हैं, नारायण आपके अंश हैं। भागवत में जगह जगह ये स्पष्ट किया गया है। हे परम नियंता, प्रत्येक देहधारी जीव के आत्मा तथा समस्त लोकों के शाश्वत साक्षी होने के कारण क्या आप आदि नारायण नहीं है? नारायण के भी आदि, आदि नारायण। निस्संदेह भगवान नारायण आपके ही अंश हैं। और वे नारायण इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ब्रह्मांड के आदि जल के जनक हैं। वे सत्य हैं, आपकी माया से उत्पन्न नहीं है। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत में आदि लीला दूसरा अध्याय 30वां श्लोक, इसमें इस श्लोक की टीका इस प्रकार की है। यह ब्रह्मा का कथन है कि जब वे भगवान कृष्ण द्वारा योग शक्ति प्रकट किए जाने पर पराजित होकर उनकी स्तुति कर रहे थे,
ब्रह्मा, यह ब्रह्मा का कथन है जब वे भगवान कृष्ण द्वारा योग शक्ति प्रकट किए जाने पर पराजित होकर उनकी स्तुति कर रहे थे। ब्रह्मा ने यह देखने के लिए भगवान कृष्ण की परीक्षा लेनी चाही थी कि ग्वाल बाल के रूप में खेलने वाले कृष्ण सचमुच भगवान ही हैं। ब्रह्मा ने अन्य सारे बालकों तथा उनकी गवों को चरागाह से चुरा लिया था, किंतु जब वे लौटे तो देखा कि सारे बालक तथा गवें चरागाह में ही थे, क्योंकि भगवान ने फिर से उनकी सृष्टि कर दी थी। जब ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण की इस योग शक्ति को देखा तो उन्होंने हार मान ली और भगवान को अपना स्वामी तथा सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का दृष्टा एवं समस्त जीवों के भीतर स्थित परमात्मा के रूप में संबोधित करते हुए उनकी स्तुति की। भगवान कृष्ण नारायण है अर्थात ब्रह्मा के पिता हैं, क्योंकि कृष्ण के अंश रूप गर्भोदकशायी विष्णु ने गर्भोदक में शयन करते हुए ब्रह्मा को अपने शरीर से उत्पन्न किया था। कारणाणव में महाविष्णु और सबों के हृदय में वास करने वाले परमात्मा रूप स्वरूप क्षीरोदकशायी विष्णु भी परम सत्य के अंश हैं। श्रील सनातन गोस्वामी ने इस श्लोक की टीका करते हुए भगवान के आदि स्वरूप श्री कृष्ण के अवतार विष्णु या नारायण के अंश की विस्तृत व्याख्या की है। सनातन गोस्वामी ने इस श्लोक की टीका करते हुए भगवान के आदि स्वरूप श्री कृष्ण के अवतार विष्णु, साफ साफ सनातन गोस्वामी कह रहे हैं, या नारायण के अंश की विस्तृत व्याख्या की है। इसका सार यह है कि यद्यपि ब्रह्मा जी नारायण से उत्पन्न हुए थे, किंतु अब वे नारायण को आदि भगवान श्री कृष्ण का अंश मान रहे हैं। भागवत से सारे कंफ्यूजन खत्म होते हैं। तो अब ब्रह्मा ये क्यों कह रहे हैं कि क्या आप आदि नारायण नहीं हैं? भगवान ने कहा, ब्रह्मा ने कहा कि आप मेरी माता हैं, पिता भी आप हैं, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही सब कुछ, तुम ही हो माता। इसलिए कि विष्णु भगवान के गर्भ से नाभि कमल निकला, उसी में ब्रह्मा जी आए, तो माता भी हो गए, पिता तो है ही है। पिता अहमस्य जगतो माता धाता, पिता महागीता में भी कह रहे हैं मैं सब जगत का माता भी हूँ, पिता भी हूँ, पितामह भी हूँ। भगवान से ब्रह्मा ने कहा था कि मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा, क्या सोच करके तुमको क्षमा कर दें? कहने लगे, भाई दास हूं, अब दास से कोई गलती हो जाए तो मालिक निकाल ही दे, बस यही सोल्यूशन करेगा, तो सारा खाली हो जाएगा फैक्ट्री, एक भी नौकर नहीं बचेगा। तो ऐसा तो नहीं होता है, भगवान समय समय पे अवतार लेते हैं। इंद्र को गर्व हुआ तो इंद्र का गर्व दूर किए, इंद्र को हटा करके दूसरे को थोड़ी बिठा दिया। ब्रह्मा से गलती हुई तो ब्रह्मा को करेक्ट करेंगे, एकदम से व्यक्ति ही बदल देना, ऐसा नहीं। तो क्षमा कर दीजिए, क्या सोच के तुम्हें क्षमा करें? अनेक सारे कारण बताए ब्रह्मा ने, मैं दास हूं, मैं सनात हूं,
आप माता हैं, माता के गर्भ में बच्चा पैर चलाता है तो माता कोई अपराध थोड़ी मानती है, खुश होती है कि हाँ बच्चा सही सलामत है। तो भगवान ने कहा बच्चा कभी बाहर भी तो निकलता है, बाहर निकल के फिर लाते चलाए, अंदर चला रहा है, चलो ठीक है। तो वो तो धुंधकारी की तरह हो गया, फिर तो गलत बात हो जाएगी वो, तुम तो बाहर निकल चुके हो। कह रहे नहीं मैं अंदर ही हूं, बहुत सारी बातें कह रहे हैं, बहुत डिस्कशन हो रहा है। आज के 4 श्लोकों में ब्रह्मा और कृष्ण के बीच में यही डिस्कशन है कि इन्होंने कह दिया तुम माता हो, कह रहे हैं मैं कैसे माता हूं तुम्हारी। वो कृष्ण डिनाई कर रहे हैं कि नहीं मैं माता नहीं हूं, और वो कह रहे हैं कि नहीं तुम माता हो, प्रूफ कर रहे हैं ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी जीत गए, प्रूफ कर ले गए अंततः। जय जने भजे कृष्ण, से बड़ो चतुर भक्त के आगे ही भगवान हारते हैं, हार गए ब्रह्मा के आगे। तो अपराध का कारण क्या होता है? क्या कहा ब्रह्मा ने, हमसे अपराध हो गया, क्यों हो गया? चंचलता, चंचलता के कारण। बच्चा क्यों गड़बड़ी करता है, घर में सामान तोड़ देता है, ये गलती करता है, वो गलती, पे डांट खाता रहता है ना, चंचलता। उसको मना कर दो ये लाल बत्ती जिसमें है उसको मत छूना, वो लाल बत्ती छुएगा जाके। चंचल स्वभाव, चंचलता का कारण रजोगुण से उत्पत्ति है ना। और चंचल है तो फिर कुछ ना कुछ तो सब चीज इंटेलिजेंस के साथ तो करेगा नहीं, कुछ ना कुछ तो मूर्खता भी हो जाएगी। तो मूर्खता का कारण हाँ चंचल है। अगर हाँ अगर अज्ञानी ना हो तो मूर्खता थोड़ी करेगा, ज्ञानी व्यक्ति चंचल हो जाए तो मूर्खता थोड़ी उससे अपेक्षित है। अज्ञान, और अज्ञान का कारण, तमोगुण। अज्ञान का कारण तमोगुण। ये तमोगुण से कहाँ कहाँ से आया ब्रह्मा जी में? रजोगुण कभी प्योर नहीं होता, यहाँ सतोगुण ही प्योर नहीं है तो रजोगुण कहाँ से प्योर हो जाएगा? तो प्योर नहीं है मतलब निचला गुण मिक्स है, ऊपर का मिक्स नहीं, नीचे वाला गुण मिक्स है। दूध में चीनी मिला दे कोई तो मिलावट थोड़े कहलाएगी, दूध में पानी मिला के देगा तो कहेंगे मिलावट के खिलाया। मिलावट तो दोनों में ही हो रही है, लेकिन वो और स्वाद बढ़ा देना। तो पहले पहले तो ब्रह्मा जी आए, नतमस्तक हुए, भगवान के सौंदर्य का वर्णन किया, भगवान को खुश करने के लिए। भाई कोई हमारी बात क्यों सुनेगा, जब तक वो प्रसन्न नहीं होगा तब तक सुनेगा कैसे? तो पहले प्रसन्न करने के लिए खूब उसको रूप का वर्णन, अरे आप कितने सुंदर दिखाई दे रहे। क्या सुंदरता का वर्णन किया नेहा? नौमेड्य, लक्ष्मण श्रेय, पशुपांग न जाए। ट्रांसलेट करो। हे गोपराज नंद के पुत्र, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अब प्रभु पूछे, आपका स्वरूप नए काले बादलों के समान है और तड़ेदम बढ़ाया। आपने विद्युत के भांति पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं। कवल वेत्र विशाण वेणु आप गुंजावतन सपरिपिच्छल सन्मुखाय, आपने गुंजा के कुंडल पहने हुए हैं। गुंजावतन सपरिपिच्छ, आपने मोरपंख धारण किया हुआ है।
वतन से बड़े पिच लसन मुखाया, आपका मुखमंडल इन सारे चीजों से सुशोभित हो रहा है। सुशोभित लसत, लसत माने सुशोभित हो रहा है। उसके बाद कवल वेत वन्यस्त्रजे, वन्यस्त्रजे कवल वेत विषाणु, वन्यस्त्रजे यानी आपने वन की बनी हुई फूलों की माला पहनी हुई है, और कवल वेत विषाणु आपने दही चावल का हाथ में कॉर्ड लिया हुआ है। कवल वेत विषाणु वेत और विषाण आपने गवों को हाकने के लिए हाथ में एक डंडा लकुटी लकुटी लिया हुआ है, और श्रृंगी आपने धारण की हुई है। श्रृंगी क्या होता है? वो भैंस का सींग का बना हुआ है। भैंस के सींग से एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बनता है, पी 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 करके बजता है। हाँ, वो डोरी से बांध के कमर में लटकाए रहते हैं भगवान। हाँ, और वेणु बांसुरी कमर में खोंस रखी, खा रहे ना। लक्ष्मणश्री मृदु पदे, आपके चरण कमल अत्यंत कोमल है, अत्यंत कोमल है। और पशु एक उपराज नंद महाराज के पुत्र, पशुओं का पालन करने वाले, गौओं का पालन करने वाले नंद महाराज, उनके अंग से उत्पन्न अंग जाय, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। तो जब भी हम लोग जप स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले ये वाला श्लोक पढ़ करके भगवान के इस स्वरूप को अपने स्मरण पटल में लाना चाहिए, उसके बाद हरे कृष्ण स्टार्ट करते, कितना अच्छा हो जाएगा। और जैसे ही वो विस्मरण होने लगे तो फिर से यह श्लोक पढ़ करके फिर उसको ले आओ। चेतना में कृष्ण ही रहे, इधर उधर की वस्तु व्यक्ति कुछ नहीं आना चाहिए। जब करते समय केवल भगवान का ध्यान। और वैसे भी कभी बैठे हैं विस्मरण सा हो गया इधर उधर की बातों में, तुरंत नौ मिनट देते प्रभु पूछे, प्रणाम करते रहना चाहिए। थोड़ी थोड़ी देर के बाद हर पांच मिनट बाद ये वाला श्लोक स्मरण करो और प्रणाम कर लो भगवान। ये प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, निरंतर ये अभ्यास में लाना चाहिए। बस ब्रह्मा जी भी स्तुति प्रारंभ कर रहे हैं कि भाई आप सुनिए मेरी बात, तो पहले तो कृष्ण के स्वरूप पर मन को एकाग्र किया और उनको प्रणाम किया, तब कोई कार्य स्टार्ट हो तो वो सफल होता है। भगवान का स्मरण किए बिना हम कहेंगे नहीं, हम अपने बल बुद्धि से विद्या से हम अपना सब कार्य कर लेंगे, जब तक भगवान परमिट नहीं करते कोई काम सफल नहीं होता। फिर क्या बताया भगवान ब्रह्मा ने? माधुर्य स्वरूप की दुर्गेयता खुद अनुभव किया। क्या अनुभव किया ब्रह्मा ने? आए कृष्ण का माधुर्य स्वरूप देखा, ग्वाल बालों के साथ में भोजन लीला चल रही थी यमुना पुलिन पे, और भोजन लीला देखी चक्कर में पड़ गए, मोह में फंस गए। क्या मोह में फंस गए? ये भगवान है, ये तो उच्छिष्ट खा रहा है, झूठा खा रहा है। कोई झूठा भोग लगाता है? नहीं लगा, झूठा खा रहा है, ये कैसा भगवान है? जबकि गर्भ में थे तो स्तुति करने आए, जब तक लीला नहीं देखी थी अंदर थे छुपे हुए थे, तब तक भगवान है भगवान है। सारे देवताओं को ले आकर के स्तुति कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, शरणागत हो रहे हैं। अब लीला करने लगे मोह में पड़ गए, बड़े बड़े लोग आदि कवि ब्रह्मा। तो ब्रह्मा जी ने कान पकड़े, कहने लगे कि आपके माधुर्य स्वरूप दुर्गेय है, इसको जानना बड़ा कठिन काम। माधुर्य लीला थी ना वो, ऐश्वर्य लीला क्या होती है? ऐश्वर्य लीला में कोई उच्छिष्ट खिलाता है? नहीं, माधुर्य लीला मित्र है, मित्र का झूठा खा रहे हैं, ग्वाल बाल हैं, गैया चरा रहे हैं। अच्छा, फिर क्या कहा ब्रह्मा ने? ज्ञान के प्रयास को त्याग देना चाहिए। तो जब दुर्गेय है तो छोड़ो, फिर प्रयास ही छोड़ो। जब उस ऐश्वर्य को समझ ही नहीं पाएंगे तो छोड़ दो माधुर्य को। अच्छा, तो फिर करें क्या? गुरु परंपरा से सुने अपनी बुद्धि लगाकर हाँ,
भगवान के अवतार हैं व्यासदेव, उन्होंने ग्रंथ लिखा और ग्रंथ लिखते समय क्या कह रहे हैं कि इस भागवत की रचना किसने की, भागवत की रचना किसने की, महामुनि कृते। व्यासदेव खुद कह रहे हैं कि महामुनि कृते। महामुनि कौन? नारायण। महामुनि कौन है? नर और नारायण बद्रिकाश्रम में आज भी तपस्या कर रहे हैं। वो इतने बड़े तपस्वी हैं, सत्ययुग से लेकर उनकी तपस्या आज तक चल रही है। उनसे बड़ा कोई महामुनि होगा? तपस्या कोई उनसे ज्यादा कर पाएगा? चार युग बीत चुके, चल रही तपस्या। आज भी दो पर्वत हैं वहां पे, नर और नारायण, मंदिर के ठीक पीछे देखे हमने। वाह, तो महामुनि कृते। व्यासदेव खुद अपने को महामुनि थोड़े कहेंगे। अच्छा, तो बिना ज्ञान के कैसे उद्धार हो जाएगा ये बताएं। अब हमको बुद्धि चलाने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ प्रभुपाद जी ने बता दिया। भगवान की लीलाएं ब्रह्मा ने देखी, ब्रह्मा ने नारद को बताई, नारद ने व्यास को बताई, व्यास ने सुखदेव को बताई, सुखदेव ने सूत को बताई, सूत ने शौनक को बताई, चलते चलते प्रभुपाद तक आई, प्रभुपाद ने हमको बताई। अब हमें जो काम करना है वो कर रहे, चल रहा है परंपरा। तो ऐसे ये लिया जाता है भगवान का ज्ञान श्रीमद् भागवत, हैंड टू हैंड। बिना ज्ञान के ही उद्धार हो गया, खाली क्या करना है, सुनना है, विश्वास करना है, हो गया, बुद्धि चलानी नहीं। और अगर भक्ति मार्ग छोड़ करके ज्ञान के मार्ग पे चले तो क्या होगा? कौन बताएगा श्लोक? श्रेयस्तिम। ट्रांसलेट करो मुरली। श्रेयस्तिम भक्ति मदस्य, श्रेय के इस भक्ति मार्ग को छोड़ करके केवल बोध करते, जो केवल ज्ञान का अनुशीलन करते या फिर उसके पीछे पड़ते हैं, तो क्लेशल एव शिष्य, उनको केवल क्लेश ही मिलता है। जैसे भक्ति छोड़ करके जो ज्ञान लेने के चक्कर, ब्रह्मा ने कह दिया कि ज्ञान नहीं लिया जा सकता, बिना ज्ञान के कैसे होगा? भागवत सुनो, विश्वास करो, गाते रहो लीला भगवान की, हो गया काम खत्म, है ना। तो अब वो इस श्रेय के मार्ग को छोड़ करके और ज्ञान के मार्ग पे चले, बुद्धि का आडोलन करता रहे, इसका मतलब उसको अपनी बुद्धि पे अधिक विश्वास है, ब्रह्मा नारद व्यास पे नहीं। ये तो हुआ, तभी तो उनकी ना सुन करके अपनी बुद्धि से सोच रहा है, तो फंस ही जाएगा संसार में, हो ही नहीं पाएगा। ब्रह्मा साक्षात आंखों के सामने लीला देख रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर हम कहां समझ जाएंगे, वो भी अपनी बुद्धि से, इम्पॉसिबल। तो केवल क्लेश ही क्लेश मिलेगा अगर अपनी बुद्धि चलाई तो। इसलिए सरेंडर, श्रवण, विश्वास। भागवत सुनने की क्या दो योग्यता है? विनीत भाव और ध्यान पूर्वक श्रवण करना, ठीक है। विनम्र बनो, विनम्र का मतलब जो गुरु जी कह रहे हैं सब सही है, यही तो विनम्रता। नहीं नहीं, आपने ये कैसे कह दिया, कमर पे हाथ रख करके खड़े हो गए विवेकानंद की तरह, नहीं चलेगा, ऐसे नहीं होता ये ज्ञान, फिर तो चीटिंग ही होगी। तो भक्ति मार्ग छोड़कर ज्ञान के मार्ग में केवल कष्ट ही कष्ट मिलता है, और अगर केवल योग के मार्ग पे चले तो भी वही कंडीशन। तो योगी भी अगर श्रवण कीर्तन आदि करता है तो सिद्धि प्राप्त करता है, अदरवाइज उसको भी कुछ नहीं मिलता। तो केवल ज्ञान, कर्म का मार्ग तो बात ही नहीं कर रहे हैं, उसमें तो कुछ नहीं मिलना है,
जो है जो मिलेगा वो सब नश्वर, और ज्ञान के मार्ग में भी जो मिल बहुत क्लेश है, और योग का मार्ग भी अकेला, जैसे अकेला ज्ञान बेकार है, वैसे ही अकेला योग भी, भक्ति अकेला मतलब भक्ति का मिश्रण नहीं है अगर तो काम का नहीं है। अच्छा, अब कोई कितना भी योगाभ्यास करेगा, विश्वामित्र से ज्यादा 60,000 वर्ष तक लगातार ध्यान में थे, मेनका आई बस चूड़िया खनकाए खत्म, योग ध्यान सब कुछ, शकुंतला की उत्पत्ति हुई ये स्थिति, तो केवल ध्यान करेंगे योग करेंगे तो नहीं बनेगा काम, भक्ति चाहिए। भक्ति करने वालों का पतन नहीं होता है, उनको भगवान इतना आनंद दे देते हैं कि ये बाहरी आनंद की जरूरत ही नहीं पड़ती है, तो पतन कहां से हो, पतन तो तब होता है ना जब बाहर आनंद ढूंढता है, खनकाते रहो चूड़ी कुछ नहीं होने वाला है, वो तो आनंद अंदर से हो, मिल रहा है उसको, क्यों पतन होगा भाई। हरिदास ठाकुर जिसको आनंद का अनुभव नहीं हुआ है उसका पतन होता रहता है। आत्मानंद मेनु कोई भी कलेश नहीं, तो योग मार्ग, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, भागवत में सबको निकाल के बाहर कर दिया गया। और कोई ज्ञान मार्ग पे चले, निर्मल अंतःकरण भी हो, तो मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, ब्रह्म ज्योति तक, बस ब्रह्मानंद की प्राप्ति कर सकता है, स्वरूप का अनुभव नहीं कर सकता है। कब तक? जब तक भक्ति नहीं होगी। और भक्ति कब तक नहीं होगी? जब तक माधुर्य का अनुभव नहीं होगा, जब तक भागवतों की कृपा नहीं होगी। भागवत की कृपा, भक्तों की कृपा के बिना भक्ति नहीं आती है ना, ग्रंथ भागवत, भक्त भागवत, है ना, इस कृपा के बिना भक्ति नहीं है। ठीक है, भक्ति इनके खजाने में बंद है, विनम्र हो करके शरणागत हो जाओ, खजाना खोल दिया भाई तुम्हारा ही है, ले जाओ, ये नहीं कि चाबी रख करके और ऐंठ के बैठे हुए, नहीं ये तो मेरे पास, वो तो चाहते हैं लुटाना, लो तुम भी लो, तुम भी लो, सब लो। तो निर्मल अंतःकरण होगा अगर ज्ञान मार्ग पे चल भी रहा है और अंतःकरण निर्मल है, तो ब्रह्म ज्योति का भी पूर्ण अनुभव नहीं है, आंशिक अनुभव है। और भक्ति तो बिना भागवत कृपा के नहीं मिलती। प्रेम भक्ति के बिना आपके साकार स्वरूप का अनुभव नहीं हो सकता, भगवान के साकार स्वरूप का अनुभव बिना प्रेम भक्ति के नहीं होता, और प्रेम भक्ति बिना साधन भक्ति के नहीं होती, साधन भक्ति बिना श्रवण के नहीं होती, श्रवण बिना महाभागवत के नहीं होता। आया समझ क्या? भागवत के बिना श्रवण नहीं होगा, श्रवण के बिना साधन नहीं होगा, साधन के बिना प्रेम नहीं होगा, और प्रेम नहीं हुआ तो भगवान के साकार स्वरूप का कोई अनुभव नहीं होगा। जरूरी है भगवान सबके सामने जाए। हमारे घर में बहुत से लोग आते हैं जिनसे हमें प्रेम नहीं है, हम नीचे नहीं उतरते मिलने के लिए, कुरियर वाला आया दे करके चला गया, हम जरूर सबसे मिलने के लिए जाएंगे, किसी ने भी रिसीव कर लिया, प्रेम है तो दौड़ के जाएंगे, है ना। तो जो प्रेम करता है कृष्ण से, कृष्ण उसके लिए दौड़ के आ जाते, सीधी सीधी बात, अपने से ही देख लो, हम अंश है ना, अगर अंश को ठीक से हम जानेंगे तो अंशी को भी जानने लग जाएंगे। एक बूंद सागर की चखी खारा है, देख कुछ कुछ सागर को भी जान गए, सागर भी खारा हो, अरे हो सकता वो दूर में पानी खारा ना हो, तो हर जगह के जा जाके चखेंगे क्या
लेकिन अभी पूरा अनुभव नहीं हुआ, आंशिक अनुभव हुआ है, उसके अंदर वेल भी है, वो मैंने थोड़ी चखी। पता नहीं क्रोकोडाइल क्या क्या सब होंगे अंदर, वो पूरा अनुभव कहाँ हुआ? इसलिए अंश है, आंशिक अनुभव अपने स्टडी से हो जाएगा, पूरा अनुभव नहीं होगा। पूरा तो ब्रह्मा ने कहा हो ही नहीं पाएगा, खत्म ही हो गई बात। जितना भी भगवान कराना चाहे उतना प्रकट करेंगे अपने आप को, लेकिन वो भी तब जब प्रेम हो। तो जब आपके गुणों को अनंत भी गिन नहीं सकते, तो हमारे जैसे साधारण जीव आपके माधुर्य का अनुभव कहां से करेंगे? नहीं कर पाएंगे। बस आपकी कृपा पर पूरी तरह से निर्भर है। तुम्हारा कृपाए आसी निर्भर करिया, तो अब ये समझ में आया कि भगवान का अनुभव तो करना है, दर्शन करना है, बात करनी है, उनसे हमारा नित्य संबंध है। इस जन्म के संबंध तो टेम्परेरी हैं, भगवान से तो नित्य संबंध है, तो पुनर्स्थापना तो करनी है उस संबंध की। धाम में प्रवेश भी चाहता ही है हर कोई। अच्छा, तो कैसे करें भक्ति? तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमाणो। आगे बोलिए सब लोग। तत्ते अनुकंपां सुसमीक्षमाणो भुञ्जान एवात्मकृतं विपाकं हृद्वाग्वपुर्भिः विदधन् नमस्ते जीवे तयो मुक्तिपदे सदाय वा। इसको बढ़िया से एक्सप्लेन करिए माता जी। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जो व्यक्ति, हे प्रभु, जो व्यक्ति अपने विगत दुष्कर्मों के फलों को धैर्य पूर्वक सहन करता है और अपने शरीर, मन और वाणी से आपको प्रणाम करता रहता है और आपके कृपा की प्रतीक्षा करता है, वह अवश्य ही मोक्ष का अधिकारी है। जैसे एक पुत्र अपने पिता की संपत्ति का अधिकारी हो जाता है, उसी तरह वो ऑटोमेटिक उसको भगवान की संपत्ति, भगवान का धाम मिल जाता है। एक कंडीशन पुत्र को भी फुलफिल करनी होती है, क्या? जीवित रहना पड़ता है। मर गया तो उसको क्या मिलेगा? पिता की संपत्ति मिलेगी? नहीं मिलेगी। जीवित रहना है तो भक्त का जीवित रहना मतलब क्या? भक्ति में लगा रहे, बस ट्रेन में चढ़ा रहे तो उसको मैं हाँ निरंतरता, ये नहीं छोड़ दे बीच में तो फिर नहीं मिलेगा पिता की संपत्ति। तो क्या मिलेगा उसको? भगवान क्या है? स्वराट, परम स्वतंत्र, मुक्त है वो। तो भक्त को भी क्या दे देंगे? मुक्ति। मुक्ति मिलेगी ना उसको, मुक्ति का अधिकारी, मुक्ति पदे सदाए भाग, अधिकार हो जाएगा उसका मुक्ति पर। मुक्ति माने अपने स्वरूप में स्थित होना। तो अभी हम अपने स्वरूप में क्यों नहीं स्थित हो पा रहे हैं? माया का बंधन है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण का बंधन। उस बंधन के कारण जो बंधा हुआ है उसको मुक्त थोड़ी कहते हैं। वो अपने स्वरूप में कहाँ आ पा रहा है? उसको भगवान की सेवा 24 घंटे करनी चाहिए, कहाँ कर पा रहा है? तो बंधन में है। लेकिन अगर हृदय से, वाणी से और शरीर से भगवान को हर समय प्रणाम करता चले तो मुक्ति पद का अधिकारी हो जाएगा। तो प्रणाम करता चले, धन्यवाद देता चले, सदा ही शुक्र करे, शुक्र में गुजार, है ना, हमेशा भगवान तुम्हारा शुक्रिया, कुछ भी है, सुख है, दुख है, शुगर है ना, ये होना चाहिए, भगवान आपकी कृपा। दुख है, अब मेरा प्यूरिफिकेशन करने के लिए आप दुख है। कितना ध्यान रखते हैं आप, प्यूरिफाई कर रहे हैं। हम वैसे तपस्या नहीं करते थे, अब आपने जो है हमको बाध्य कर दिया तपस्या करने के लिए। ठीक है, अच्छी बात है, इसमें मेरा हित ही होगा, क्योंकि आप ही सब कुछ कर रहे हो और आप तो सबके हितैषी हो, सुहृदम सर्वभूतानाम, तो फिर मेरा इसमें हित ही होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है।
और ये जो दुखार है आत्मकृतम विपाकम, मेरे ही किए हुए कर्मों का फल हमको मिल रहा है, तो अब हम किसको ब्लेम करेंगे, किसकी वजह से हो रहा है? और आप कृपा के सागर हैं, कभी तो कृपा करेंगे ही। तो कब कृपा करेंगे? अगर हम फोर्स करें भगवान को, करुणा निधान करुणा करनी पड़ेगी तुझको, तब क्या होगा? सकाम भक्त, तुम करुणामय हो, जब मर्जी आए तब कृपा करो। छोड़ दिया भगवान को खुला, निष्काम भक्त हो गया। जो भगवान को टाइम बाउंड नहीं करता वो निष्काम भक्त, और जो भगवान को भी बाउंड कर, नहीं तुमको ये करना ही पड़ेगा, मुझे दर्शन दो गिरधारी, नहीं तो मर जाऊंगी मार कटारी, तुम मर जाओ नहीं देगा दर्शन, स्वतंत्र है, जबरदस्ती है कोई, दर्शन दो नहीं तो मर जाऊंगी, तो ऐसे तमाम आए मर के चले गए। भक्ति करो, भक्तों का आदर करो, दर्शन मिलेगा, वेट करो, सुसमीक्षा मानो, प्रतीक्षा करो कृपा की। जो प्रतीक्षा नहीं कर सकता वो सकाम हो जाता है। ब्रह्मा जी ने इसमें भक्ति कैसे करें पूरा बता दिया। ये श्लोक सबको स्मरण में होना चाहिए और दिन रात इसको दोहराते रहे, ऐसे भक्ति करनी है, ठीक है? इसको नहीं भूलना है, भक्ति कैसे करनी है। हमारे महाजन बता रहे हैं, जो भगवान का डायरेक्ट उन्होंने जो है साकार रूप देखा है और मोह को प्राप्त हुए हैं, और अब अपने एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि मुझे मोह क्यों हुआ, ताकि तुम ये गलती ना करो जो मैंने की। हम डायरेक्ट माधुर्य देखने लग गए, गीता पढ़े बगैर भागवत में कूद गए सीधा, यही गलती ब्रह्मा से हुई, स्मरण नहीं किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पढ़ा दे तो चारों वेदों की क्या आता है, लेकिन होता है ना कि पढ़ने सुनने समझने के बाद भी जब भगवान कोई टेस्ट लेते हैं, किसी ने अपशब्द कह दिया, बस भगवान ने मेरा टेस्ट ले लिया, अब हम रिएक्ट क्या करते हैं उस समय, जब चारों खाने चित सारा ज्ञान गया, हो गई रिएक्शन, बाद में पछताते रहो, अपनी गलती समझ में आती है, लेकिन उस समय क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था ना। तो ऐसे ही परिस्थितियां आती है, जब परीक्षा हो जाती है। अब ब्रह्मा जी को क्या चीज नॉलेज नहीं थी क्या? खूब नॉलेज थी, लेकिन मत स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, ये भूलना और याद रखना, उसके लिए भी भगवान पे डिपेंड होना पड़ेगा। उन्हीं से स्मृति होती है, उन्हीं से विस्मृति होती है, सब कुछ उन पे टोटली डिपेंड। मारो भी राखो भी, जो इच्छा तुम्हार, नित्य दास प्रति तुया अधिकार, पूरा अधिकार भगवान का। तो भक्ति कैसे करें, एक तो दुखों को कैसे सहें, और फिर हम भगवान के प्रति क्या व्यवहार करें। सराउंडिंग में होता क्या है, किसी से दुख आया तो हमने उसको उत्तरदायी ठहरा दिया, ये कह रहे हैं उत्तरदायी नहीं, आत्मकृतम विपाकम, अपना पाप समझो, और तब भी प्रणाम करते चलो भगवान को, भगवान आपने बड़ा अच्छा किया। इस प्रकार का जीवन होना चाहिए, ये है आर्ट ऑफ लिविंग। तो ये सब कहने के बाद अब ब्रह्मा जी अनुताप करने लगे कि मेरी तो दुर्जनता, मेरी मूढ़ता, तो दुर्जनता के कारण मैं दंड का भागी, मैंने चुराई आपकी चीज, आपके पार्षद आपको ढूंढने के लिए खा रहे थे बैठ के, आप ढूंढने चल दिए, हाथ में कौर लिए हुए हैं, खाने भी नहीं दिया मैंने आपको ठीक से। हर कोई भगवान के मंदिर में अच्छे से पंखा कूलर सब व्यवस्था करके, थाली आली रख के, घंटी बजा के, घंटी बजा के सबको सचेत के, भाई मंदिर में नहीं एंट्री करना, अभी शोर मत करना, एक घंटा बजाने का मतलब यही है, बाकी सब लोग अलर्ट हो जाओ, भगवान प्रसाद ले रहे हैं, वो भोग कर रहे हैं, दरवाजा बंद, बाहर बैठ करके जप करो या तो फिर वैष्णव भजन गाओ, भोग आरती गाओ, सबसे बढ़िया है, भगवान भोग कर रहे हैं, सब व्यवस्था की जाती है। और यहाँ मैंने क्या किया, मैंने आपके चोरी करना चालू किया तो ये तो मैं तो दंड का अधिकारी हूँ, और मैंने इतनी बड़ी मूर्खता की कि मुझे लगा कि आपको पता नहीं चलेगा,
कहाँ चले गए आप, दुखी होंगे, रोएंगे, ये करेंगे, छोटा बच्चा 6 साल का, उसका सब सामान छीन लो तो क्या करेगा? खा पी तो ऐसे रहा है जैसे लग रहा है बच्चा है, भगवान तो लग ही नहीं रहा है। मैंने बड़ी मूढ़ता की, अपना दास समझकर मेरी दुर्जनता और मूढ़ता के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। अतः क्षमस्व नाथवान इति, मैं नाथवान हूं, आप मेरे नाथ हैं, मैं आपका दास। तो जब भगवान की ओर देखो तो आशा बनती है कि हाँ उद्धार हो जाएगा, माफी मिल जाएगी। अपनी ओर देखो तो मैंने तो बड़ा गलत काम किया, हमको तो माफ करने लायक नहीं है मेरा गुनाह। भगवान के गुणों की ओर देखो तो फिर लगता है कि काम बन जाएगा। इसलिए हमेशा भगवान के गुणों की ओर देखना चाहिए। अपने दोषों को देख देख करके और हरेसमेंट और डिप्रेशन में जाने से कोई फायदा नहीं। भगवान की ओर देखो, सब आशाएं बंद जाएंगी, कोई निराशा नहीं रहेगी जीवन। करुणा निधान है, क्या कहते हो, करुणा निधान रघुआ, जगत के दाता है। तो क्यों किया मैंने ये सब, रजोगुण से उत्पन्न था, चलो ठीक था, उत्पन्न हुआ था ना रजोगुण से, फिर तो आपने हमको वेद सिखाए, सारा ज्ञान आपने दिया, आप पिता भी माता भी गुरु भी, उसके बाद क्यों मैंने गलती की? भजन से विमुख होने के कारण। हमको हर समय भजन में लगे रहना चाहिए था, मैं भजन में से विमुख हुआ इसके कारण मैं अपने को बड़ा मानने लग गया। क्यों बड़प्पन का आभास होता है? मैं सृष्टि का रचयिता, भजन से विमुख होने का। भजन क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्या मतलब इसका? सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ। हे राधे मुझे सेवा में लगाओ, हे कृष्ण मुझे सेवा में लगाओ, हे बलराम मुझे सेवा में लगाओ, सेवा में लगाओ, बोलते रहो 25,000 बार। प्रभुपाद ने कहा कम से कम इतना तो बोलना ही है, दिन में 25,000 बार हमने कहा भगवान अपनी सेवा में लगा लो, सेवा में लगा लो, मैं दास हूं आपका। तो जो नहीं बोलेगा, जो ऐसे कर रहा है मिनिमम 16 राउंड, वो तो कभी भी अपना बड़प्पन नहीं दिखाएगा, कहेगा हम तो दास हैं, हम तो दिन भर तो सेवा मांगते रहते हैं भगवान से, राधा रानी से, बलराम जी से, अर्थात गुरु से, गुरु से, कृष्ण से, कृष्ण की शक्ति से, तीनों से हम सेवा मांग रहे हैं। तो काय को बड़ा समझे, दास हैं। लेकिन जो भजन से विमुख होगा तो उसकी तो प्रैक्टिस में ही ये नहीं है कि मैं मुझे सेवा में लगाऊं, सेवा लगाऊं, भगवान की सेवा मिल जाए, वैष्णव की सेवा मिल जाए, वो कह ही नहीं रहा है। तो फिर वो अपने को बड़ा समझता, जब छोड़ने की हानि क्या है, हम अपने को बड़ा मानने लग जाएंगे। और बड़ा मानने लगे तो बस कॉम्पिटिशन चालू हुआ सांसारिक, बस बड़ा मान ले, इसने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया, उसने क्यों नहीं किया, इसने मेरा अपमान क्यों किया। और जब हम अपने को छोटा ही मान रहे हैं तो ठीक है बड़ा है भाई कह ले। आदमी ऑफिस में अपने बॉस की कितनी नहीं सुनता है, और कुछ बोलता है क्या, नौकरी छोड़ के भागता है क्या कि नहीं नहीं हम इस ऑफिस में काम नहीं करें, तो कहीं नहीं कर पाएगा क्योंकि हर जगह बॉस बैठा होगा। बॉस इज ऑलवेज राइट, अब सुनना तो पड़ेगा। तो छोटा बनना ये भजन से ही होगा, विनम्रता ऐसे ही आएगी, और फिर विनम्रता से और बढ़िया भजन होगा, फिर उससे और विनम्रता आएगी, ये दोनों एक दूसरे को बढ़ाने वाले हैं। भजन विनम्रता को बढ़ाएगा, विनम्रता भजन को बढ़ाएगी। तृणादपि सुनिचे न तरुरपि से सुना, अमाने ना माने देना कीर्तनीय सदा। तो अब इसका मतलब क्या कि पहले तृणादपि सुनिचे न हो जाए तब भजन करेंगे कीर्तनीय सदा हरी? नहीं, तुम कीर्तन तो चालू कर ही दो, विनम्रता आएगी, थोड़ी आएगी, पहले भगवान के प्रति तो आ जाए कि गीता में जो जो भगवान ने कहा है सब मानने लग जाए, तो ये तो भगवान के प्रति विनम्रता।
फिर बड़ों के प्रति आए, भक्तों के प्रति आए, तब जाकर के वो तृण का नंबर आएगा कि तृणादपि सुनिचे, घास पे पड़े हुए सूखे तिनके से भी अपने अपने कुछ छोटा मानना, तभी भजन होता है। तो सदा भगवान का सद्गुण देखना चाहिए, उससे हमारा भजन बढ़ेगा, और अगर हम भजन छोड़ देंगे तो मेरा अभिमान बढ़ेगा। भजन करेंगे तो विनम्रता बढ़ेगी, भजन छोड़ेंगे तो अभिमान बढ़ेगा। तो दास समझकर मेरी दुर्जनता और मूर्ता को क्षमा कर दी। कृष्ण ने कहा कि तुम विश्व के रचयिता हो, प्रसिद्ध हो, देवता तुम्हारे पास स्तुति करने आते हैं, सब देवताओं के अधिष्ठाता हो, तो तुम्ही से उत्पन्न है सारे के सारे, मेरा ऐश्वर्य क्या है, मैं तो यहां गैया चरा रहा, अनपढ़ लोगों को काम दिया जाता है, जाओ गाय हाँक लो, गैया चराने को, गैया तो अपने आप चरेगी, खाली डंडा लेकर के उसको ले जाना और ले आना, यही तो काम, इससे ज्यादा वो कर ही नहीं सकता कुछ। तो कह रहे हैं कि मैं तो ये हूं, तुम सृष्टि की रचयिता और तुम हमको इतनी बड़ी बड़ी बातें बोल रहे हो, मैं आपका दास हूं, मैं आपका ही हूं, ये कुछ ज्यादा नहीं बोल रहे हो, एग्जेगरेशन कहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ तो अतिशयोक्ति, वो मस्का ज्यादा ही लगा रहे हो कुछ। वो कृष्ण रिजेक्ट कर रहे हैं उसको, कह रहे हैं तुम विश्व के रचयिता के रूप में प्रसिद्ध हो, हम कहाँ प्रसिद्ध हैं, हमको तो कोई पहचानता नहीं, दो कंस को ढूंढ ही रहा है इतने बड़े बड़े असुर भेजे, सब ढूंढते ही रह जाते हैं, ये है कि ये है कि ये है, उस चक्कर में कईयों को मार देते, तो मैं कहाँ ग्वाला, आप कहाँ सृष्टि की रचयिता ब्रह्मा, दास समझकर माफ कर दो, क्या क्या बोल रहे हो। तो ब्रह्मा कहने लगे कि मैं तो जैसे गरुड़ के सामने टिड्डी होती है वैसे हूं, बिल्कुल जैसे प्रचंड अग्नि की एक चिंगारी अग्नि से जैसे ही अलग हुई कि बुझ गई, मेरी ये स्थिति है, और चिंगारी होकर के मैंने सोचा कि मैं आपको खा जाऊं, आपके ऊपर हावी हो जाऊं, आपको कवर कर लूं अपनी माया से, मैं ग्वाल बाल बछड़े ले जाऊं और आपको पता ना चले, एक बार भी विचार नहीं आया कि आप क्या हैं, आप मेरी माता हैं, अतः मेरा अपराध सहन कर सकते, मैं आपके तो गर्भ से उत्पन्न हुआ हूं। कहते हैं नारायणस्य उदर नाभि नालात, कहां से उत्पन्न हुआ हूं मैं, नारायण के उदर से नाभि, नाभि से एक नाल निकली, उसमें कमल का फूल, उस पर मैं उत्पन्न हो गया। नारायणस्य उदरस्य नाभि नालात, ये यहां से मेरी उत्पत्ति, विनिर्गतो, मैं यहां से विनिर्गत हुआ। नारायण के नाभि नाल से उत्पन्न हुआ, क्या मैं आपके नाभिनाल से उत्पन्न नहीं हुआ। कृष्ण का तो खुद ही कह रहे हो कि नारायण के नाभिनाल से उत्पन्न हुआ। तो ब्रह्मा प्रश्न कर रहे हैं, प्रश्न कर रहे हैं मतलब ये विनम्रता है, दावे के साथ ये नहीं कह रहे हैं कि आप ही तो आदि नारायण हैं, मैं आप ही से तो उत्पन्न हुआ हूं, ऐसा नहीं बोल रहे, क्या मैं आपसे उत्पन्न नहीं हुआ, ऐसे एकदम विनम्रता से पूछ रहे।
इसके आगे ब्रह्मा देखिए क्या उत्तर दे रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ब्रह्मा का यही है कि प्रश्न पूछ करके कि क्या मैं आपके नाभि से उत्पन्न नहीं हुआ, मैं नारायण की नाभि से उत्पन्न हुआ हूं, क्या मैं आपकी नाभि से नहीं उत्पन्न हुआ हूं, अर्थात मैं आपकी नाभि से ही उत्पन्न हुआ। तो कृष्ण ने इस पर तो ध्यान ही नहीं दिया कि मैं आपकी ही नाभि से उत्पन्न हुआ हूं। कहने लगे कि यदि तुम नारायण के पुत्र हो तो मेरा तुम्हारा क्या संबंध है, नारायण के पुत्र हो ठीक है, नारायण कहाँ रहते हैं, जल में, जल। नारा माने जल, आयन माने जो उसमें अधिष्ठान करता है, निवास करता है, तो जो जल में निवास करता है, मैं तो वृंदावन में निवास करूं, तुमको दिख रहा है मैं पानी में रह रहा हूं, पानी में कहां रह रहा हूं मैं आंकड़ा हूं जंगल में गैया ढूंढ रहा हूं, गैया क्या पानी में होती है हमको बता रहे हो नारायण, नारायण का मतलब तो समझो, ये चल रहा है इनका, कह रहे हैं मैं कहां नारायण हूं, डिनाई कर रहे हैं। तो ब्रह्मा क्या कह रहे हैं, नारायणस्त्वं नहि सर्वदेहिनां आत्मास्यधीशाखिल लोक साक्षी, नारायणोऽहं नरभूजलायनात् तच्चापि सत्यं न तवैव माया। हे परम नियंता, प्रत्येक देहधारी जीव के आत्मा क्या है आप, परम नियंत्रक सुप्रीम कंट्रोलर, प्रत्येक देहधारी जीव के आत्मा, देह में आत्मा है ठीक है, लेकिन दो तरह की आत्मा है, एक व्यष्टि आत्मा एक समष्टि आत्मा, एक ही डाल पर दो पक्षी बैठे हैं, एक फलों का भोग कर रहा है दूसरा साक्षी है, दोनों एक नहीं है, एक भोग कर रहा है, इसलिए वो 84 लाख प्रकार के शरीरों में आता है अपने कर्मानुसार भोगानुसार। ठीक है, और दूसरा क्या कर रहा है, साक्षी, कौन देख रहा है मेरे कर्मानुसार फल कौन दे रहा है, कोई तो साक्षी है, वो हृदय में ही बैठा है। तो जो हृदय में बैठा हुआ साक्षी है वो आप में भी वही है, आप में भी वही है, आप में भी वही है। तो इसी को कह रहे हैं कि प्रत्येक देहधारी के, देहधारी जीव के आत्मा है आप, हम जो हैं, हम मैं, वो आपके हृदय में नहीं बैठे हुए हैं, मैं आपके हृदय में नहीं बैठा हूं, लेकिन परमात्मा आपके हृदय में, मेरे हृदय में, वो सब जीवों के हृदय में स्थित आत्मा, और मैं केवल इस शरीर में स्थित आत्मा, तो ये दो आत्मा हो। भगवान ने कहा अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित, वही बात यहाँ पे आ रही है कि सब जीवों में स्थित आत्मा मैं हूं। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि सब जीव आत्मा परमात्मा हो गया, वो सोचते हैं दो नहीं एक ही है, एक कहां से। तो फिर हमें, आपको भी कहीं पर कोई चोट लगती, कहीं दर्द होता तो आभास हमें भी होता, नहीं होता, क्योंकि आत्मा है तभी तो आभास है, डेड बॉडी को तो कोई आभास होता नहीं है, चेतना तो आत्मा से ही है, आत्मा का गुण है। तो चूंकि हमें आपके शरीर के सुख दुख का आभास नहीं है, जब तक आप बोलेंगे नहीं, इसका मतलब कि ये आत्मा जो इस हृदय में है वो उस शरीर में नहीं है, लेकिन परमात्मा को तो सब पता चल रहा है, इसका मतलब परमात्मा सब हृदय में है। तो दो हैं पक्षी जो बैठे हैं, इन दोनों को एक नहीं समझ लेना चाहिए। गीता से बहुत लोग गलत कंक्लूजन निकाल लेते हैं, अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताश सर्वभूताश स्थापित, ये भी तो देखो, खाली आधा ही श्लोक लोगे क्या, अहम आत्मा गुड़ाकेश, इतने में तो कंफ्यूज हो जाएंगे। इसको कहते हैं अर्धकुट न्याय,
मुर्गी का पिछला हिस्सा अच्छा है, अंडा देता है, ऊपर का हिस्सा खराब है, वो दाना खाता है, बड़ा खर्चा कराता है, इसलिए गर्दन काट दो, पीछे का हिस्सा ले लो, रोज अंडा मिलता रहेगा। मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा, दाना खिलाना पड़ेगा। तो अर्ध कुक्कुट न्याय, आधा आधी चीज मानना वो ठीक नहीं होता है। शास्त्र का वचन मानो, पूरा मानो, तब पूरा लाभ। नीम हकीम खतरे जान। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आप एक तो सुप्रीम कंट्रोलर हैं, आप सुप्रीम कंट्रोल माने कि ब्रह्मा शिव आदि सभी आपके कंट्रोल में, और प्रत्येक देहधारी के हृदय में स्थित आत्मा है आप, तो क्या आप नारायण नहीं है? वही तो नारायण है जो अपना एक्सपेंशन करके प्रत्येक जीव के हृदय में आ गए हैं, श्री रुद्रक्षाई विष्णु, तो क्या आप वो नहीं है? निस्संदेह भगवान नारायण आपके ही अंश है। जब भगवान ने कहा कि नारायण के पुत्र हो ना, हमसे क्या संबंध है, उसी के जवाब दे रहे हैं कि नारायण क्या है ये बताइए। नारायण तो आप ही के अंश हैं, तो आपके स्वांश है ना, तो क्या डिफरेंस है? आपके स्वांश में आप में कोई डिफरेंस नहीं है। रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम् अकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं समभवत् परमः पुमानयो गोविंदमादि पुरुषं तमाम भजामि। और अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नव यौवनम च। ये तो ब्रह्मा का ही वचन है। तो अनंत रूप हो लेकिन सब आप ही के रूप है, आपसे डिफरेंट कहाँ है? तो फिर आप ही की नाभि से मैं आया हूं, तो आप ही मेरी माता है। निस्संदेह भगवान नारायण आप ही के अंश हैं, और वे नारायण इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ब्रह्मांड के आदि जल के जनक हैं। ब्रह्मांड में जल कहां से आया? ब्रह्मा जी को तो भगवान ने पांच चीजें दे दी, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और तीन चीजें और दे दी, मन बुद्धि अहंकार का। ठीक है, जीवों को पूर्व कर्मानुसार अब शरीर प्रदान करते रहो, तुम सृष्टि की रचना करो इन्हीं चीजों से। तो जल को बनाया किसने? आपने बनाया, इसलिए आप नारायण है। नारा माने जल, आयन माने आश्रय, तो जल आपका ही आश्रय है, आप ही से उत्पन्न है, और आप उसी जल में आश्रय ले करके बैठे हुए अधिष्ठान करके। जल आपसे उत्पन्न और आप जल में लेट गए। तो ब्रह्मांड के आदि जल के, जो आदि जल मतलब ओरिजिनल जो वाटर आया वो, उसके आप जनक हैं, वे सत्य हैं और आपकी माया से उत्पन्न नहीं है। तच्चापि सत्यम, अर्थात जो नारायण है वो भी सत्य है। ये क्या बोलने की जरूरत पड़ गई, नारायण सत्य है? भगवान कहे हमसे निकला हुआ सब कुछ सत्य थोड़ी होता है। विराट रूप की बात कर रहे हैं भगवान, कि विराट रूप जो था वो भगवान की, भगवान का क्या कैसा रूप है? भौतिक अभिव्यक्ति है ना। सूर्य चंद्र भगवान की आंख है, तो सूर्य चंद्र तो भौतिक है ना, वो दिख रहे हैं हमको हम, नहीं तो हम जब तक प्रेमांजन छुरित ना होते, प्रेम चक्षु ना होते, तब तक ये दिखता ही नहीं। अगर यही भगवान होते तो मटेरियल वर्ल्ड, मटेरियल आइज से दिखाई पड़ रहा है। तो वो जो आपका विराट स्वरूप है वो भौतिक होगा, परंतु ये जो नारायण स्वरूप है तच्चापि सत्यम, वो सत्य है। न तवैव माया, वो आपकी माया जनित नहीं है। न तवैव माया, श्लोक सामने रखिए। नारायणोंगम नरभूजलायना तच्चापि सत्यम न तवैव माया।
वो सत्य है, वो आपकी माया नहीं है। क्या आप नारायण नहीं हैं? वस्तुतः मैं आपसे ही उत्पन्न हुआ हूं। क्या आप नारायण नहीं हैं? आप ही नारायण हैं, क्योंकि आप ही समस्त जीवों के आत्मा स्वरूप हैं। एक बात, नार शब्द का अर्थ है जीव समूह, नार जीव को भी कहते हैं, और नारा कहते हैं जल को। नार माने जीव, और जीव समूह के जो अयन है, अयन माने आश्रय, तो सब जीवों का आश्रय कौन है? जो है वो नारायण है। तो क्या आप सब जीवों के आश्रय नहीं है? हैं? तुम्हें कैसे मालूम है? यशोदा के मुंह में दिखाया था। सब आपके अंदर ही था। हमको कैसे मालूम? सब लीला देखी आपकी। हाँ, आप ही नारायण हैं, क्योंकि आप ही समस्त जीवों के आत्मा स्वरूप हैं। समस्त जीवों के आत्मा का मतलब जानते हैं क्या होता है? आत्मा का मतलब महाराज बताते हैं प्रिय। तो सब लोगों को प्रिय कौन है? कृष्ण किसको प्रिय नहीं है? तो सब सबको प्रिय है। केवल असुर होते हैं, उनको प्रिय नहीं होते हैं, तो असुर को मार करके भेज देते हैं धाम, तो फिर प्रिय हो जाते हैं। पूतना अगासुर बकासुर सब बैठे हैं गोलोक में, प्रेम कर रहे हैं भगवान से, कहाँ जाएंगे? मार मार के प्रेम करवाएंगे। कोई ऐसे प्यार से मान जाएगा बात से? नहीं तो जो लातों का भूत होगा लात खा के मानेगा। अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, चिल्ला रही पूतना, नहीं छोड़ रहे हैं। निवर्तन्ति। तो नार शब्द का अर्थ है जीव समूह, अयन का मतलब आश्रय, तो जीवों के आश्रय तो आप ही हैं। हे अधीश, आप समस्त लोकों के साक्षी हैं। साक्षी मतलब आप सबको देखते हैं, कौन क्या बोलता है, कौन क्या सोचता है, कौन क्या करता है, मन वचन कर्म तीनों के आप ज्ञाता हैं, सबके साक्षी हृदय में बैठे हुए हैं, हृदय में क्या सोच चल रही है सब आपको पता रहता है, इतने आप साक्षी हैं। अगर ऐसे साक्षी ना होते तो ये जो आपने अपना विस्तार किया था सारे ग्वाल बालों के रूप में, जिस एकदम वही का वही रूप, वही की वही वाणी, कोई पहचान नहीं पाया एक साल तक कि मेरा बच्चा है कि कृष्ण है। गऊओं के बछड़े गाय नहीं पहचान पाई अपने बछड़ों को, ये कृष्ण बने हुए हैं, मेरा बेटा बछड़ा कि ये वास्तव में मेरा बछड़ा है। प्यार बढ़ गया बस, जो कि कृष्ण थे, लेकिन क्यों प्यार बढ़ा? ये बलराम तक चक्कर में पड़े। तो साक्षी भी इस लेवल का साक्षी, जो वाणी हूबहू कॉपी कर ले, आदतें हूबहू कॉपी कर ले, इसको कहते हैं साक्षी। बाकी हमको अपनी आंख पर बड़ा गर्व है कि हम देखेंगे तो मानेंगे। क्या देखोगे? मन देख पाओगे? नहीं देख पाओगे। क्या हम सोच रहे हैं तुम्हारे बिरा, तुम्हारे बारे में, तुम्हारे खिलाफ सोच रहे हैं? समझ ही नहीं पाओगे। वाणी मीठी मीठी बोल रहे हैं, ये है। कोई साक्षी किसी का नहीं, नहीं बन सकता। इस लेवल का साक्षी बनेगा, और वो भी कितनी संख्या है ग्वाल बालों की? अनंत। कितने बछड़े हैं? उतने बन गए बिल्कुल हू बहू। इसको कहते हैं साक्षी, प्रत्येक जीव का साक्षी। हे अधीश, आप समस्त लोगों के साक्षी हैं। मैंने बछड़े चुराए थे,
आपने वैसे वैसे बना करके वो खेल रहे हैं साल भर से किसी को कुछ पता चल नहीं रहा है, आपको सब पता है कि कौन ले गया था कहाँ ले गया था, खेल रहे हैं आप मेरे साथ, हम सोच रहे थे हम आपसे खेल रहे हैं, आपकी माया से अब तो परास्त हो गए, धन्य है आपकी शक्ति। अनुभव किया है साक्षी का भी ब्रह्मा ने, जो समस्त लोगों को जानता है वही नारायण है, आता है वह त्रिकालज्ञ होने के कारण नारायण आप ही हैं। नारायण से तुम्हारा संबंध है, हमसे क्या संबंध है, अरे आप ही तो नारायण है, क्यों नारायण है, आप सबके साक्षी हैं, आप सबके अधीश्वर हैं और आप त्रिकालज्ञ हैं, तीनों काल के बारे में आपको पता है। नर से उत्पन्न 24 तत्वों के अंतर्गत जल ही जिनका आश्रय है, 24 तत्व उत्पन्न हुए, क्या क्या, नर से उत्पन्न हुए भगवान से, क्या क्या 24 तत्व हुए, पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, पांच कर्मेंद्रिया, पांच ज्ञानेंद्रिया, 15 हो गए, पांच इंद्रिय विषय, 20 हो गए, बाकी चार मन बुद्धि अहंकार और महत्तत्व, 24 तत्व हो गए या प्रकृति कह लो, तो 24 तत्व हो गए। इन 24 तत्वों में से भगवान ने आश्रय किसके लिया, जल का, तो कहलाए क्या, नारायण। 23 का आश्रय छोड़ दिया, अब भगवान आश्रय थोड़ी दिए हैं, ये तो जल का सौभाग्य है। तो अतः त्रिकालज्ञ होने के कारण आप नारायण ही हैं, नर से उत्पन्न 24 तत्वों के अंतर्गत जल ही जिनका आश्रय है वे ही नारायण है। वे नारायण भी क्या है, उनसे 24 तत्व उत्पन्न हुए, उसमें से जल का आपने आश्रय लिया तो आप नारायण कहलाए, और वो नारायण भी क्या है, आपके अंग हैं, नारायणो अंगम नरभू जलायनात। देखिए तीसरी लाइन श्लोक की, नारायणो अंगम, नारायण आपके अंग हैं, और नरभू, नर से जो उत्पन्न हुआ, भू माने उत्पन्न होना, नर से 24 तत्व उत्पन्न हुए, उसमें से जल आयनात, जल का आपने आश्रय लिया, नरभू जलायनात। वे नारायण भी आपके अंग हैं, आपकी विलास मूर्ति हैं, आप असीम स्वरूप हैं, अतः जल आपका आश्रय किस प्रकार से हो सकता है, आपसे 24 चीजें पैदा हुई उसमें से एक का आपने आश्रय ले लिया, ये नहीं हो सकता। जल आपका आश्रय किस प्रकार, आप तो असीम है, जल तो सीमित है, भले सागर भरे पड़े हो लेकिन सागर की भी तो अपनी एक सीमा ही है, पृथ्वी पे ही तो है, पृथ्वी तो लिमिटेड है ना, उसका एक डायमीटर है, उसका एक सर्कमफेरेंस है, उसका एक वेट है, सीमित हो गया, और आप क्या हैं, असीम। तो असीम सीमित में कैसे आश्रय ले सकता है, लेकिन आपकी अचिंत्य शक्ति, आपकी शक्ति को कोई सोच सकता है असीम सीमित में आ जाए, फिर आपकी अचिंत्य शक्ति दिखाई दे रही है यहाँ पे, असीम होकर के अपने अंग से कुछ उत्पन्न किया उसी में आश्रय लेके बैठ गए। तो जल आपका आश्रय किस प्रकार से हो सकता है, अतः वह आपका परिच्छिन्नत्व यानी सीमा युक्त होना ये सत्य नहीं है, बल्कि आपकी माया है, अर्थात ये आपकी पावर है, आप कर सकते हो ऐसा, दूसरा किसी में सब क्षमता नहीं है। आप परिच्छिन्न होते हुए भी परिच्छिन्न के समान अवस्थित होना आपकी अचिंत्य शक्ति का ही परिचय है।
अथवा वह परम सत्य है। विराट स्वरूप के समान आपका नारायण स्वरूप माइक नहीं है, विराट स्वरूप तो माइक है। बहुत से लोग कहते हैं विराट स्वरूप ही सब कुछ है, विराट स्वरूप तो माइक है। विराट स्वरूप के लिए भगवान ने अर्जुन को नेत्र दिए, कौन से नेत्र दिए? दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्यमे योगमैश्वरम। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे रहा हूं, मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, ऐश्वर्य को देखो। उससे पहले क्या देख रहा था अर्जुन? कृष्ण के साथ उठना, कृष्ण के साथ बैठना, उसके साथ खाना, उसके साथ सोना, सखा के रूप में घूमना, विवाह करना, जाओ मेरी बहन को ले जाओ शादी कर लो उससे, ये सब चल रहा था। कृष्ण को शादी कर, अर्जुन से कह रहे हैं जाके उससे बात करके आओ, कौन थी पता नहीं, हाँ याद नहीं आ रहा नाम, अर्जुन को भेजा आगे जा बात करके आओ, हमको उससे शादी करनी है। सुभद्रा से तो अर्जुन ने विवाह किया, तुम पीछे बैठा दे तुम्हें। अरे वो ऐसे ही है, हम लोग चलता रहता है। तो दिव्य चक्षु दिए, तो दिव्य चक्षु सबसे टॉप क्लास के होते हैं। तो पहले तो माधुर्य का दर्शन हो रहा था, माधुर्य में थे, माधुर्य से नीचे का है दिव्य चक्षु, और उससे नीचे का क्या है? चर्म चक्षु, ये जो हमारे पास है। इससे ना तो विराट रूप देख पा रहे हैं, ना तो माधुर्य रूप देख पा रहे हैं, कुछ नहीं देख पा रहे, और इसी पे गर्व हो रहा है, देखेंगे तो मानेंगे। कमाल है, चर्म चक्षु पे साइंटिस्टों को बड़ा गर्व है, भगवान किसने देखा है? प्रभुपाद कहते हैं तुमने वो व्यक्ति नहीं देखा जिसने भगवान को देखा है, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। तुमको जिस दिन वो व्यक्ति मिल जाएगा जिसने भगवान को देखा है, उस दिन तुमको भी भगवान दिखने लगेगा। कहाँ? स्थावर जंगम देखे ना देखे तारु मूर्ति सर्वत्र है निज इष्ट देव स्मूर्ति। तुमको फिर भगवान ही दिखेगा, फिर कुछ और दिखेगा ही नहीं। भगवान कहाँ है? तो यदि कहें कि तुम, तब तो तुम नारायण के पुत्र हो, तुमसे मेरा क्या संबंध है? इसके उत्तर में ब्रह्मा जी कहते हैं क्या आप नारायण नहीं है? विनीत उक्ति द्वारा कह रहे हैं कि अवश्य ही आप नारायण है, ये अर्थ है। हे अधीश, आप समस्त ईश्वरों के अधिपति हैं। गीता में आपने कहा क्या? कहा विष्टभ्याहम इदम कृत्स्नम, विष्टभ्याहम इदम कृत्स्नम एकांशिनो, हाँ एकांशेन स्थितो जगत। मैं अपने एक अंश के द्वारा सारे जगत को धारण किए हुए हूँ, एकांशेन। आपने बोला था ना गीता में, गीता कोई पहली बार थोड़ी बोल रहे हैं, सूर्यदेव को दिया था, सूर्यदेव से पहले के ब्रह्मा है सृष्टि, ये सूर्यदेव सब बनाने वाले तो ब्रह्मा ही जी है, सृष्टि के इंजीनियर हैं, है ना। तो सूर्यदेव को जब दे रहे थे तो ब्रह्मा जी नहीं सुन रहे थे क्या? वो ब्रह्मा जी को तो उनसे भी पहले दे दिया सब चीज। तो वो राजर्षियों की परंपरा और ये देवर्षियों की परंपरा में सुना है ब्रह्मा जी ने। अच्छा, आप ही ने बोला था एकांशेन स्थित हो जगत, वही एकांश आपका नारायण है। अब आप वही हो कि नहीं हो? तो आप ही नारायण हुए कि नहीं हुए? आपने ही बोला एकांशेन स्थित हो जगत, अब फंस गए भगवान, क्या करेंगे, मानना ही पड़ेगा। गीता सिद्धांत की पुस्तक है, भगवान को फंसा दिया, मजे ले रहे हैं भगवान भी। मैं इस चित अचित समस्त जगत को प्रकृति के अंतर्यामी पुरुष के रूप में एकांश में धारण करके अवस्थित हूं। आपके इस वचन से स्पष्ट है कि समस्त देहधारी जीवों में आप ही अंतर्यामी रूप में अवस्थित हैं, एवं अखिल लोकों के साक्षी हैं, अर्थात लोक समूह के साक्षात दर्शनकारी होने के कारण
समस्त जीवों के ज्ञाता हैं। कहां कहा है गीता में समस्त जीवों के ज्ञाता हैं? बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार जून अर्जुन की डेट ऑफ बर्थ चार जून जन्मानि तव चार जून च अर्जुन भक्त लोग ऐसे जोक सुनाते तो मैं तुम्हारे मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मैं सब तुम्हारे सब जन्म जानता हूं। ये नहीं कि सारे जीवों के हृदय में क्या चल रहा है वो जानता हूं, वो प्रत्येक जीव के प्रत्येक जन्म के बारे में जानता हूं। और फिर जीव कितने और फिर उसके जन्म कितने अनंत, एक एक जीव के अनंत अनंत जन्म, और किस जन्म में क्या सोचा तो एक भक्त ने महाराज से कहा महाराज कंप्यूटर की हार्ड डिस्क फट जाएगी इतनी मेमोरी अनलिमिटेड इसी को कहते हैं। वे नारायण जीव मात्र के अंतर्यामी होने के कारण आत्मा और साक्षी हैं, अतः वे आपके ही एक अंश होने के कारण आप ही नारायण हैं। वो अंश हैं आपके तो आप ही के तो अंश हैं, तो आप ही नारायण हैं। और स्वांश है, भिन्नांश होते तो चलो ठीक था, आपके दास होते कुछ होते तो फिर तो आप ही है ना। यदि कहें हे ब्रह्मन मैं कृष्ण वर्ण का होने के कारण कृष्ण नाम से प्रसिद्ध हूं और वृंदावन में रहता हूं, मेरा नाम नारायण थोड़ी है, मेरा नाम तो गर्ग मुनि आए थे रख के गए थे, क्या नाम रख के गए थे, कृष्ण, कृष्ण नाम रखा था तो नंद बाबा भूल गए माधुर माधुर प्रेम बेटा है कृष्ण कान्हा कुछ ऐसे ही कहा था, कान्हा नाम रख दिया। अब ग्वाल सखाओं ने कहा कि कान्हा नंद बाबा को जैसे ही बुलाते हैं कन्हुआ, कन्हुआ हो गए, तो माधुर्य प्रेम में नाम कुछ भी, भगवान जानते हैं हमको बुला रहा है, बात ही खत्म है। भाव ग्राही जनार्दन मैं कृष्ण वर्ण का हूं और कृष्ण नाम से प्रसिद्ध भी हूं और वृंदावन में रहता हूं, किंतु नार अर्थात जल ही जिनका आश्रय है, इस प्रकार के अर्थ से वे नारायण मुझसे अवश्य ही भिन्न होंगे। वो पानी में रहने वाले, मैं पृथ्वी पर रहने वाला वृंदावन में। इसके उत्तर में कहते हैं नर भू जलायनाथ, नर से जो 24 तत्व उत्पन्न हुए, आप ही से 24 तत्व उत्पन्न हुए, उसमें एक अंश में आप जाकर के वहां पानी में लेट गए तो फिर आपसे अलग कैसे हो गया। नर भू जलायनाथ इत्यादि, इन शास्त्र वाक्यों के अनुसार नर अर्थात परमात्मा से उत्पन्न होने के कारण जल को नारा कहा गया है। नर से उत्पन्न नारा, पृथा से उत्पन्न पार्थ, आगे मात्रा लग गई तो उससे उत्पन्न हो जाए। भगवान उस जल में अधिष्ठित रहते हैं इसलिए उन्हें नारायण कहा जाता है। ऐसे नारायण भी आपके ही अंग अर्थात श्री मूर्ति हैं, क्योंकि वे आपके ही अंश हैं, ये भावार्थ है। अतएव उनके गर्भगत होने पर भी मैं आपके ही गर्भगत हूं, मैं उनके पेट से निकला या आपके पेट से निकला बात एक ही है, आप में नारायण में कोई भेद नहीं। अतएव उनके गर्भगत होने पर भी मैं आपके ही गर्भगत हूं। और भी कह रहे हैं स्वेच्छामयस्य न तो भूतमयस्य कोपि, अर्थात आपके भक्तों की इच्छा से प्रकटित आपके रूपों में कोई भी प्राकृत नहीं है। कि मुझसे उत्पन्न है तो हो सकता विराट रूप की तरह हो, नहीं नहीं प्राकृत नहीं है। पहले कही गई इस उक्ति के अनुसार वो कहा ना, पहले ही कहा गया स्वेच्छामयस्य, आप भक्तों की इच्छा से उत्पन्न होते हैं, न तो भूतमयस्य कोपि, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से बना हुआ शरीर आपका थोड़ी है, भूतमय से ना, भूतमय नहीं है आपका शरीर। अरे
जो आपके भक्त हैं उनकी इच्छा से आप आए। भक्त कोई भौतिक इच्छा करता ही नहीं है, भौतिक चीज देखना ही नहीं चाहता, भौतिक चीज भोगना ही नहीं चाहता। तो आपका अगर भौतिक शरीर होता तो आप में आनंद क्यों लेता? इसका मतलब वो भी भौतिक वस्तु में आनंद ले रहा था, भक्त भी नहीं। अगर आपका शरीर भौतिक होता इसका मतलब भक्त भी भौतिक शरीर देख देख के खुश हो रहा, तो फिर उसमें और एक कामी व्यक्ति में डिफरेंस ही क्या रहता? तो ये जो कहा स्वेच्छामयस्य अर्थात भक्तों की इच्छा से आप उत्पन्न होते हैं, न तो भूतमयस्य, तो इसमें भगवान ये बहाना नहीं कर सकते कि विराट रूप ये तो भौतिक है, कि वो नारायण रूप सही है ये मेरा भौतिक रूप है, आपका कोई रूप भौतिक नहीं, ये तो बिल्कुल ही नहीं। पहले कही गई इस उक्ति के अनुसार आपका बाल विग्रह और वासुदेव विग्रह, इसी बाल रूप से तो सारे वासुदेव विग्रह निकले थे, मैंने देखा सभी सच्चिदानंदमय हैं। उसी प्रकार ही आपकी नारायण नाम की जो मूर्ति है वह सत्य है, वह सर्वकाल तथा सर्व देशवर्ती होकर भी शुद्ध सत्वात्मक स्वरूप ही है, विराट रूप की भांति माया कल्पित नहीं है। विराज रूप या विराट रूप की भांति माया कल्पित नहीं है। तच्च, यहां पर चकार का प्रयोग होने के कारण अन्यान्य दूसरे जो रूप हैं, कहां चकार आया है, तच्चापि, तच्च अपि, यानी नारायण का रूप भी, तो भी क्यों कह रहे हैं, तो अन्य कौन से रूप, मत्स्य कुर्म वराह, इनमें से कोई भी रूप माया जनित नहीं है, केवल एक विराट रूप था, और उसके लिए तो डिफरेंट चक्षु चाहिए होते थे, वो चक्षु तो आपने दिए नहीं, और आपका ये रूप भी देख रहा हूँ, वासुदेव रूप भी देख रहा हूँ, इसका मतलब दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है। अगर ये भौतिक होता तो फिर आपको फिर हमें डिफरेंट चक्षु देने पड़ते, वो तो आपने दिए कब, विराट रूप से मत तुलना करिए इसकी। भगवान मन ही मन कुछ सोच रहे हैं और ब्रह्मा जी उसको समझ जा रहे हैं, फिर उसके अनुसार अपनी स्तुति कर रहे हैं, और चक्रवर्ती पाद सब समझ रहे हैं कि ब्रह्मा क्या सोच रहे हैं, ये क्यों सोच रहे हैं, कौन क्या सोच रहा है, क्यों बोल रहा है, ये हमारे आचार्य लोग। वह सर्वकाल और सर्वदेशवर्ती होकर भी शुद्ध सत्वात्मक स्वरूप ही हैं, विराट रूप की भांति माया कल्पित नहीं है। तच्च, यहाँ पर चकार का प्रयोग होने से अन्य अन्य दूसरे मत्स्य कूर्म आदि विग्रह भी सत्य हैं, यह अर्थ है। तच्चापि सत्यम, वो रूप भी सत्य हैं जो पहले आप ले चुके कृष्ण के रूप में आने से पहले। फिर भगवान ने कहा, तुम कहते हो कि मैं असीम हूं, तो फिर जल में सीमित कैसे हूं? तच्चे जलस्थम तव स जगद वपुः किं मे न दृष्टं भगवंस्तदैव किं वा सुदृष्टं हृदि मे तदैव किं नो सपद्येव पुनर्व्यदृष्टदर्शी। हे भगवान, जगत का आश्रय स्वरूप आपका यह शरीर प्रलय काल में जल में अवस्थित रहता है, यदि यह सत्य है तो उस समय कमल नाल के अंदर, प्रलय के समय कौन सा रूप रहता है, भगवान महाविष्णु प्रलय काल के जल में लेटे हुए हैं और सारे ब्रह्मांड उनके अंदर सब प्रवेश हो चुके हैं महाप्रलय के समय, और जो आंशिक प्रलय होती है उसमें गर्भोदकशायी विष्णु के शरीर में सब लीन हो जाता है, आंशिक प्रलय और महाप्रलय। तो यह तो सत्य है, ये तो ऋषियों ने कहा है, पीछे बोल चुके हैं ब्रह्मा। तो आप कह रहे हैं कि मैं असीम हूं, तो फिर जल में कैसे सीमित हूं? तो अब ब्रह्मा जी बता रहे हैं कि आप
असीम किस प्रकार से। प्रलय काल था, जल ही जल था, आप थे उसमें, आप लेटे थे, आपकी नाभि से कमल नाल निकला पहला पहला जीव मैं उत्पन्न हुआ। मैं ढूंढ रहा हूं चारों तरफ कि मेरे पिता कौन, कहां से मैं उत्पन्न हो गया। फिर क्या हुआ, कमल नाल के अंदर गया, चारों तरफ तो दिख ही रहा था, जल के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा था, जबकि आप थे, आप उसी जल में थे, मेरी दृष्टि उसी जल पे थी लेकिन आपको नहीं देख पा रहा था। नाल के अंदर गया, 100 साल तक घूमा, देवताओं के 100 साल, नहीं पहुंच पाया, नाभि तक पहुंच करके नहीं समझ पाया कि मैं कहां से पैदा हुआ। फिर तप की आवाज आई, जल में जैसे कोई चीज टपक जाए टप, तो मैंने उसको आपका आदेश मान करके तपस्या प्रारंभ कर दी, तब हृदय में मैंने आपको देखा, फिर आप अदृश्य हो गए। ये पूरी स्टोरी है, उसका अनुभव करके अब ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं, यदि यह सत्य है कि प्रलय काल के जल में आप अवस्थित थे, उस समय कमल नाल के अंदर प्रवेश कर मैं आपको 100 वर्षों तक खोजता रहा, तब आपको क्यों नहीं देख पाया, ये बताइए। अगर आप सीमित होते तो सीमित चीज तो हमको दिख जाती, सीमित चीजें तो हम लोग भी देख ही लेते हैं, असीम चीज नहीं देख पाते हैं, तो मैं क्यों नहीं देख पाया, अब आप ये बताइए, कहां क्वेश्चन है भगवान के पास मैं क्यों नहीं देख पाया आपको। यदि कहें भगवान, अगर कहें हम तो यहां बैठे हैं तो तुम जल में ढूंढ रहे हो, माता बसा तुझे मन में, तू गोली पर वृंदावन में, मम्मी हमको अक्सर यही कहती थी, जैसे हम वृंदावन से आते थे तो भगवान तो तुम्हारे हृदय में बैठे हुए, तुम वृंदावन ढूंढ रहे हो तो मैं क्यों नहीं देख पाया आपको। यदि कहें कि मैं तो अंतःकरण में रहता हूं और अंतःकरण मन के द्वारा मुझे देखा जा सकता है, तो मैं अपने अंतःकरण में भी आपको क्यों नहीं देख पाया। मैंने तो बहुत प्रयास किया, पहले भौतिक प्रयास किया, फिर अंतःकरण में देखने की कोशिश भी की, फिर जब आदेश हुआ तपस्या का तो मैंने तपस्या की, फिर क्षण भर के लिए आपने दर्शन दे करके फिर आप लुप्त हो गए। यानी जब आपकी मर्जी होती है तब आप दिखते हो, जब आपका मन नहीं करता है तो आप अदृश्य हो जाते हो। और हम सब जीव, हम चाहें तो अभी अदृश्य हो जाए मिस्टर इंडिया नहीं हो सकते ना, हम सीमित हैं, और जो असीम है उसके पास असीम शक्ति है, उस असीम शक्ति के द्वारा वो कुछ भी कर सकता है, दिखे ना दिखे। तो ये प्रमाण दे रहे हैं कि आप असीम हैं, क्योंकि आपके पास असीम शक्ति है। असीम ही तो असीम शक्ति का मालिक हो सकता है, सीमित व्यक्ति असीम शक्ति का मालिक कहां से जाएगा। यदि कहो कि वह नारायण स्वरूप यदि शुद्ध सत्वात्मक है, तब प्राकृत गर्भोधक में नित्य परिच्छिन्न अवस्था में अर्थात लिमिटेड कैसे दिखाई देते हैं, तो फिर सर्वव्यापक होने के कारण उनका गर्भोधक मात्र में परिच्छेद संभव नहीं है। सर्वव्यापक है भगवान तो गर्भोधक सागर में कैसे लेटे हुए हैं, ये दोनों चीज एक साथ कैसे हो रही, यही भगवान की अचिंत शक्ति है। गर्भोधक में भी लेटे हैं और सब जगह भी हैं। अंडांतरस्थ परमाणु चयांतरस्थम गोविंद मादि पुरुषम तमाम भयान, अणु में भी है परमाणु में भी है, गोलोक एव निवसति, गोलोक में ही रहता हूं, अखिलात्म भूतो, प्रत्येक जीव के हृदय में भी रहता हूं। तो ही कह दिया और भी कहोगे, ही के साथ भी लगाने वाला तो दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है दुनिया में, हम लोग या तो ही या तो भी। भाई हम भगवान से प्यार करते हैं,
हाँ हम अपने भाई बंधुओं से भी प्यार करते हैं, भी भगवान से ही प्यार करते हो, या तो ही प्यार करें या तो भी प्यार करें। वो कहते हैं नहीं, ही भी और भी भी। कमाल है, अब ये दिमाग से बाहर हो गया, इसीलिए सरेंडर करना पड़ता है भगवान को समझने के लिए। तो बुद्धि काम नहीं करेगी वहां पे, ही और भी दोनों एक साथ कैसे। गोलोक है एव निवसती अखिल आत्मभूत हो, अब समझते रहो। नहीं समझ पाएंगे। वही कल हमने एक उदाहरण दिया था वहां पे प्रभु जी के यहाँ, कि भक्त तो सब जगह भगवान देख रहा है, अर्जुन भक्त है सब जगह भगवान देख रहा है, और अर्जुन को भगवान ने अभी गीता बताई कि ईश्वर सर्वभूतानां हृदये से अर्जुन तिष्ठति, सब जीवों के हृदय में है भगवान। और अर्जुन कहाँ वाण मार रहा है दुश्मन के? हृदय में। हृदय में कौन बैठा है? वहीं मार रहा है, और दिख भी रहा है उसको, क्योंकि डिवोटी है, तब भी भगवान को ही मार रहा है। क्यों? भूल जाओ, नहीं है उत्तर। वो जाने डिवोटी जाने, क्यों का कोई उत्तर नहीं। पूछने वाला मूर्ख, बताने वाला महामूर्ख, मालूम ही नहीं है क्या बताएंगे। हमको क्या मालूम क्यों मार रहा है। उत्तर देने वाला प्रश्न पूछने वाले तो हम। हरे कृष्णा, निताई गौर प्रेमानंदे, ये स्थिति है। तो ये भक्त और भगवान की बातें ऐसी हैं, वहां बुद्धि को अगर लेकर के गए तो फेल हो जाएगी। इसलिए जो ज्यादा बुद्धि लगाने वाले लोग हैं ना, वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाते, और फिर आनंद नहीं ले पाते, फिर ज्ञान के चक्कर में पढ़ पढ़ करके क्लेशो अधिकतर रखते हैं, क्लेश ही क्लेश मिलता है। ये जो आनंद हृदय का है वो नहीं उमड़ पाता, वो तो भगवान के पास है, क्योंकि सच्चिदानंद तो वही है ना। मैं कुछ भी क्यों नहीं देख सकता? भगवान ने कहा, तुमने तो कहा था रजोगुण से पैदा हुए हो, रजोगुण शुद्ध नहीं होता है, उसमें तमोगुण होता है, अज्ञान के कारण नहीं देख पाते हो। फिर जब मैंने तपस्या की, आपका ध्यान किया, तो कैसे दिख गए? अज्ञानी व्यक्ति ये सब करता है? अज्ञानी तो नहीं करता। फिर आप दिखे क्यों? तुम कह रहे हो अज्ञान के कारण नहीं दिखे, तो मैं अज्ञानी कहाँ हूँ? तो तुम्हें तो देखा भी तो मैंने। नहीं दिखा तो तुमने कह दिया अज्ञान के कारण नहीं देखा, फिर दिखे क्यों? आपको ज्ञान के कारण देखा, ज्ञान से तो कोई आपको देख ही नहीं पाता। फिर फंसे इस काम में, तुम डिवोटी हो मेरे। तो डिवोटियां तो माफ कर दो ना, फिर खत्म करो ना, क्या है कि लड़ाई झगड़ा क्यों? भक्त को भी माफ नहीं करोगे? एक तो बच्चे आपके माँ की पेट में लात चला रहे थे, माँ खुश हो रही थी, तो आप भी खुश रहिए। रजोगुण तमोगुण है तो कुछ चंचलता दिखाएंगे, बच्चा शरारत नहीं करेगा, अच्छा कहाँ लगेगा? यदि ऐसा ही है कि अज्ञान के कारण, तो मैंने आपका ध्यान किया तो हृदय में आपकी श्री मूर्ति के सुंदर रूप का दर्शन कैसे हुआ? ये तब ज्ञान आ गया होगा तो फिर आप गायब क्यों हो गए? फिर एक क्वेश्चन है, फिर आप अदृश्य क्यों हुए? इसका मतलब आप जो चाहते हो वो करते हो, हमारे चाहने से कुछ नहीं हो रहा, हम तपस्या करें चाहे मर जाए। आपको दिखना है तो दिखोगे, नहीं दिखना है नहीं दिखोगे। अतएव सर्व व्यापी आपकी इच्छा से ही हैं आप सब जगह, हम देख कहीं नहीं पा रहे, तो इसका मतलब आपकी इच्छा नहीं है। तो अतएव सर्वव्यापी आपकी इच्छा से ही उस समय मुझे आपके दर्शन और अदर्शन दोनों ही संभव हो सके। दर्शन भी संभव हुआ तो अदर्शन भी संभव हुआ, आपकी इच्छा से, मेरी योग्यता से कुछ नहीं हुआ, मेरी कोई क्वालिफिकेशन नहीं,
आपकी इच्छा है, आप दिखना चाहो तो पूतना को दिख जाओ, तभी तो गोद में उठा के लेके भाग रही है, गोदी में आ रहे हैं पूतना के, अगासुर के पेट में घुसे जा रहे हैं। आपकी इच्छा सर्वोपरि यथार्थतः आप सीमा के अंतर्गत नहीं है, जल के भीतर रहते समय सीमा युक्त होने पर भी आपकी अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से अपने उदर में जगत को धारण करने के कारण आप असीम हैं। जल के भीतर रह करके भी आप जगत को अपने भीतर धारण करने के कारण आप असीम हैं। जगत की 24 चीजें आपने उत्पन्न की, एक में जाके लेट गए, लेकिन पूरा जगत तब भी अंदर है, कौन सोच पाएगा। वस्तुतः सर्वत्र समस्त स्थानों में सर्वदा सर्वत्र रहकर भी आप अपनी योग माया के द्वारा आवृत और प्रकाशित होकर दृश्य और अदृश्य हुआ करते हैं। ये योग माया शक्ति है आपकी। यहां व्यक्ति कम क्वालिफाइड होता है तो ज्यादा क्वालिफाइड क्लेम करता है, बायोडेटा में, इंटरव्यू में, अपने आप को बहुत स्मार्ट। वैसे जिंदगी में टाई ना लगाओ, इंटरव्यू देने यार टाई लगा के जा रहा काहे के लिए लगा रहे जब तुम नहीं लगाते हो। नहीं नहीं हम बहुत स्मार्ट हैं, क्वालिफिकेशन कम है फिर भी ज्यादा दिखा रहा है। और भगवान भगवान है, अपने आप को क्या कह रहे हैं, मैं तो ग्वाला हूं, तुम तो सृष्टि की रचयिता हो। और वो क्या कह रहे हैं, सृष्टि की रचयिता मैं कहां से हूं, स्मृति किसने दी, आपका नाम मंत्र जप जप करके तो मुझे कुछ ज्ञान हुआ, तब आपका दर्शन हुआ, वो भी आपकी इच्छा से, मैं देख चाह करके भी आपको देख तक तो सकता नहीं हूं। अपने बाप को तो जो पहचान नहीं पा रहा है, 100 साल तक घूमते रहे पिता नहीं मिले, यहां तो 100 साल में मृत्यु हो जाएगी। जिंदगी भर में समझ ही नहीं पाए खाली पिता, बाकी काम तो बाद में होंगे, पिता ही नहीं पता चल पा रहा। आप बता रहे हैं प्रसिद्ध हो, ये दोनों में कंपटीशन कैसे चल रहा है, दोनों हाइड कर रहे हैं अपनी अपनी क्वालिफिकेशन। ये है डिवोशनल सर्विस, अपनी क्वालिफिकेशन बताना नहीं। भगवान इतने महान होकर के अपने को ग्वाला कह रहे हैं, और ये सृष्टि की रचयिता होकर के कह रहे हैं कि मैं तो एक चिंगारी की तरह भी नहीं, मैं चला आपकी परीक्षा करने। भगवान और भक्त का वार्तालाप देखिए, ये है आनंद देने वाली चीज। इसमें हम छोटा बनते हैं और छोटा बन करके सुखी होते, बड़ा बने तो ले जिम्मेदारी सर पे, नहीं बड़े भगवान बैठे हुए हैं, भगवान के भरोसे हम बैठे हुए, कितना रिलैक्स है, क्या हो गया, लीवर खराब हो गया, फलाना हो गया, अरे भगवान है, जितनी आयु होगी उतनी तो रहेगी, कौन वहां बढ़ा देगा, कोई डॉक्टर बढ़ा नहीं देगा, कोई घटा नहीं देगा, ठीक है लोगों की संतुष्टि के लिए चलो दवा लेनी है ले लो। केवल ऐसे ही है, बस बाहरी संतुष्टि के लिए अपने मन बुद्धि को संतुष्ट कर रहे हैं, हाँ मेडिसिन ले रहे हैं, लेकिन जितनी आयु ब्रह्मा ने लिख दी है उससे और जो सुख दुख मेरे जीवन में होगा वो तो मिलना ही है, उसको कौन की दवाई काट देगी, क्या कोई नहीं काट पाएगा, कोई डॉक्टर में इतनी ताकत है कि भगवान के लिखे ब्रह्मा के लिखे वो काट देगा, किसी में क्षमता नहीं है, केवल अपने मन बुद्धि की बस ऊपरी संतुष्टि है। कृष्ण कहा जगत में जल, जल में मैं, नारायण तुम ही कह रहे हो, और मुझ में फिर ये सारे के सारे 24, मुझसे निकले 24, उस 24 में से 23 में तो मैंने आश्रय नहीं लिया, 24वें में लिया, फिर उसमें लेटे लेटे मेरे अंदर सारा कुछ, मैंने बाहर भी निकाल दिया अंदर भी रख लिया, दोनों कैसे हो गया। यदि आपत्ति हो कि जगत के मध्यवर्ती जल के भीतर वह मूर्ति अवस्थित है तो फिर वही जगत उस स्वरूप के उदर में कैसे रह सकता है। इसका कारण है कि घर
क्यों सोच रहे हैं इस तरह से कि घर के अंदर एक घड़ा रखा है, तो घड़े के अंदर घर रह सकता है? घर में घड़ा, घड़े में घर। जल में मैं, मेरे अंदर जल, मेरे अंदर जल क्या, सारे 24 तत्व, तो सारा जगत। इसका कारण यह है कि घर में, घर के अंदर रखे घड़े में कभी घर नहीं रह सकता। अतः उस शुद्ध सत्वात्मक विग्रह में इस माइक जगत के अतिरिक्त दूसरा अमाइक जगत भी स्थित है, ऐसा निश्चित होता है। इसका मतलब कि इस माइक जगत के अलावा एक अमाइक जगत भी है जो माया से परे है, वो उनके अंदर होगा, तो है ही है। अतएव तुम मेरे गर्भगत नहीं हो। कृष्ण ने यह तर्क रखा, घर में घड़ा तो घड़े में घर कैसे हो सकता है, तो तुम मेरे गर्भगत कहां हो? ब्रह्मा ने कहा मैं गर्भ में ही हूं आपके। शुरू शुरू में ही 10वें श्लोक में ही कहा था कि कौन सी ऐसी चीज है जो आपसे बाहर हो, सब कुछ आपके भीतर समाया हुआ है, आप सर्वव्यापी हैं। तो सर्वव्यापी हैं जब सब जगह भगवान ही भगवान है, तो सब कुछ भगवान पर के अंदर ही तो है। लेकिन तुम तो बता रहे हो कि तुम नाभि कमल से निकल आए मेरे पेट से, तो इसका मतलब अंदर कहां हो फिर? बाहर भी निकल आए, अंदर भी हो, ये कैसे? ऐसी आशंका कर उदरगत जगत और बहिर्गत जगत का ऐक्य बताने के लिए अत्रैव इत्यादि के द्वारा माइकत्व का प्रतिपादन कर रहे हैं। माया धमन, अत्रैव माया धमनावतारे, हे माया के निवारक। माया धमन माने माया का निवारण करने वाले। आपने इसी अवतार में इस प्रत्यक्ष सिद्ध संपूर्ण जगत को अपने उदर में दिखाने के लिए यशोदा मैया के प्रति योग माया का विस्तार किया था। अब ब्रह्मा ने मैया वाला उदाहरण दे दिया, योग माया का ब्रह्मांड घाट वाला। अतएव आपकी तर्कातीत शक्ति योग माया ने ही आपके श्री विग्रह को जगत के अंतर्वर्ती होने पर भी सर्व जगत व्यापक एवं सर्व जगत व्यापक होने पर भी जगत के अंतर्वर्ती रूप में प्रकाशित किया है। आप सर्व व्यापक भी हैं और जगत के अंदर भी हैं। जगत आपके बाहर भी है, जगत आपके अंदर भी है। ये आपकी अचिंत्य योग माया शक्ति के प्रभाव से संभव है। भगवान ने कहा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि घड़े में घर, घर में घड़ा और घड़े में घर? तो कह रहे हैं घड़े में थोड़ी ना योग शक्ति है, आप में है योग शक्ति, आप ऐसा कर सकते हो, वो पॉसिबल नहीं। आपने जड़ वस्तु का उदाहरण क्यों दिया? जैसे मायावादी जड़ वस्तु का उदाहरण दे करके घटाकाश पटाकाश अपनी पूरी फिलॉसफी उसी पे आधारित कर देते। जल की बूंद, समुद्र की एक बूंद है, हम सब जीव जो है बूंदे हैं, और सागर में गए, मिल गए, लीन हो गए। अरे लीन हो गए तो आजकल की साइंस भी कहती है कि एक एक एटम की अलग आइडेंटिटी बनी हुई है, आपको नहीं दिख रही है, लेकिन वो तो एक सेपरेट मॉलिक्यूल है ना, क्यों मत है? भाई हमको नहीं दिख रहा, ये तो मेरी प्रॉब्लम है ना, नहीं दिख रहा। तो लीन वीन कुछ नहीं होता है। तो ये तर्कातीत है, अब इसमें तर्क नहीं काम करेगा। जब शक्ति को कह दिया गया अचिंत्य शक्ति, जो चिंतन शक्ति से परे है, ब्रह्मा भी नहीं सोच पा रहे हैं, जिसको तो हम क्या हैं, तो आप इस प्रकार के काम कर सकते हैं, ऐसा ध्वनित होता है। इसके द्वारा आज भी मैं आपके उदर में स्थित हूं,
घड़ा घर में है, घर घड़े में नहीं है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन जगत में आप हैं, ब्रह्मांड घाट पे यहाँ खड़े हैं, मिट्टी खा रहे हैं बैठ के, छोटा बच्चा अभी चलना भी नहीं सीखे हैं, यशोदा मैया अपना कुछ काम करने के लिए आई हैं, बैठा दिया है किनारे, उधर सब सखा लोग, अरे मिट्टी खा रहे हैं कन्हैया, मिट्टी खा रहे, मिट्टी खा रहे, चिल्लाने लग गए सब, यशोदा आई दौड़ के, तो मिट्टी खाई नहीं, गर्दन हिला रहे नहीं खाई। बलराम ने कहा मुंह खोलवा के देख लो इसका। मुंह खोलो, मुंह खोला तो ब्रह्मांड पूरा देखा, कहीं मिट्टी कितनी तुमको देखनी है, देखो पूरी ब्रह्मांड की, अब देखो क्या क्या खाया है हमने। कहो चबाया नहीं है। नहीं, वो जैसे विराट रूप में चूर्ण इतना दंष्ट तांग्रे पता नहीं क्या क्या। तो ऐसा ध्वनित होता है। तो आज भी मैं आपके उधर में हूँ, आप ब्रह्मा जी ये प्रूफ कर रहे हैं कि अब हम अभी भी आपके पेट में हैं। कहा था ना कि पेट में बच्चा अगर लात मारे तो माँ खुश होती है, तुम बाहर निकल के मार रहे हो। गलत बात है, कह रहे नहीं आज भी मैं आपके पेट में ही हूँ। क्योंकि जगत में आप और आप में जगत, तो कृष्ण ने कहा वो प्रतिबिंब होगा, जैसे आईने में दूसरा प्रतिबिंब दिखाई दे जाता है, कहने लगा अच्छा प्रतिबिंब है तो इसका मतलब आप जो है आईना हो, आप दर्पण है इसका मतलब। तो दर्पण में जब हम देखते हैं तो दर्पण का प्रतिबिंब दिखता है क्या? दर्पण का तो प्रतिबिंब नहीं दिखता, लेकिन हमने देखा, यशोदा मैया ने देखा कि उस मुख में आप भी थे। अगर आप दर्पण है तो दर्पण में दर्पण कैसे दिखा? इसका मतलब वो वास्तव में है, आपके अंदर पूरा जगत है, इसका मतलब हम आज भी आपके पेट में हैं और हमने लात मारी है तो आप खुश रहिए। नाराज मत होइए, माफ कर दीजिए। और दर्पण में प्रतिबिंब दिखता है तो उल्टा दिखता है, महामंत्र लिखा हुआ स्टिकर दिखाओ शीशे में, पूरा उल्टा उल्टा दिखाई देगा, वहां तो आप सीधे दिखाई दे रहे थे बिल्कुल। मैया डांट रही थी मुंह खोलो तो खोल लेते, सब सीधा सीधा दिख रहा था, कोई दाएं बाएं नहीं हो रहा था, न तो उल्टा दिख रहा था और न ही दर्पण दिखता है उसके अंदर। तो दर्पण में दर्पण का प्रतिबिंब नहीं होता है, इसका मतलब आप ही थे। तो मैं आज भी आपके अंदर हूं। इसलिए मुझे माफ कर दीजिए, निताय गौर प्रेमानंद ने, हरी हरी बोल, आप लोग भी मुझे माफ कर दीजिए। स्वभाव वश कोई मूर्खता कर दी हो तो क्या कह रहे हैं ब्रह्मा जी कृष्ण से? क्या कह रहे हैं? उधर में हो ना, तो आप क्या हुए मेरे माता? हाँ, और माता तो चरण दबा रही थी नारायण के, लक्ष्मी जी है ना, लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी, नाभि से कमल निकाल करके पैदा कर दिया। तो पिता कौन है? आप ही हैं। वही कहा है तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी। तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तुम ही हो बंधु
साथी तुम्हीं सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम्हीं सहारे, कोई ना अपना सिवा तुम्हारे। तुम्हीं हो नैया, तुम्हीं खिवैया, तुम्हीं हो बंधु सखा, तुम्हीं हो। तुम्हीं हो नैया, तुम्हीं खिवैया, तुम्हीं हो माता पिता, तुम्हीं हो। तुम्हीं हो बंधु सखा, तुम्हीं हो। तुम्हीं हो माता पिता, तुम्हीं हो बंधु सखा, तुम्हीं हो। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। दया की दृष्टि सदा रखना, जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम हो दाता तो हम भिखारी। जो तुम हो ठाकुर तो हम पुजारी, जो तुम हो दाता तो हम भिखारी। चरणों में अपने सदा ही रखना, तुम्हें हो बंधु सखा, तुम्हें हो। चरणों में अपने सदा ही रखना, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो। तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो। तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।